सूरत के राजा सूरजमंडल दादा शस्त्र फणा दादा और संकेश्वर के राजा संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। पिंडवाड़ा मंडल श्री महावीर स्वामी ने नमः। सिद्धांत महोदय कर्म साहित्य निष्णात सच्चारित्र चूड़ामणि पिंडवाड़ा के रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्धमान तपोनिधि न्याय विशारद शिविर के अध्यक्ष नेता परम पूज्य आचार्य भगवान भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुविशाल कक्षाधिपति सिद्धांत दिवाकर गीतार्थ मूर्धन्य परम पूज्य आचार्य भगवान जय घोष सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान कक्षाधिपति प्रशांत मूर्ति परम पूज्य आचार्य भगवान राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। आज भगवान की द्रव्य की हाजिरी में सभी भक्तों को साक्षात भगवान की अनुभूति कराते 93 वर्ष की उम्र में भी आज भी चार चार पाँच पाँच घंटे शिष्यों को पाठ देते स्वाध्याय करवाते वाचना देते परम पूज्य आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में मेरा संपूर्ण अस्तित्व समर्पण परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मिराज सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। तथा यहाँ विराजमान सभी प्रन्यास जी भगवान सभी साधु भगवान तथा सभी साधु जी भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। मेरे दीक्षा के परमिशन के ताले खोलने वाले मेरे परम उपकारी मेरे आइडल बहन महाराज परम पूज्य साधु जी श्री हेमालय निधि श्री जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन तथा यहाँ पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरे वंदन मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ पे पहुँचा उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत सबसे ज़्यादा योगदान सबसे मजबूत नींव किसी की हो तो वो है मेरे परिवार जन जिन्होंने जन्म से लेके आज तक लगभग मेरे को कभी भगवान के दर्शन किए बिना मुँह में पानी डालने तक नहीं दिया। मेरे दादाजी तो हमेशा मेरे को कहते थे जा जा कटप्पा चले जा ओपरा बावसी आई जाए ओपरा गांव में बावसी आए वे बावसी आए वे बावसी वंदन करवा जा वंदन करवा जा पर मैं कभी जाता ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे को बोलते जा पाठशाला जा वहाँ जा वहाँ जा। उन्होंने जन्म से लेके मेरे को आज तक बड़ा किया संस्कार दिए सेवा की सब कुछ किया और आज जब उनको सेवा देने का अवसर आ रहा है उस टाइम पे मुझे भगवान के मार्ग पे जाने की अनुमति दी इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं यहाँ संसार में रहता ना तो हमको बुढ़ा देने एक हाथ में लकड़ी और दूसरे हाथ में मेरा हाथ देके सहारा देता पर अगर मैं संयम जीवा दूंगा तो एक हाथ में प्रभु आपका रूपी लकड़ी और दूसरे हाथ में गुरु मैया का हाथ देकर उनको भव से पार उतारूंगा उनको भव से पार उतारूंगा। मुझे आज मुहूर्त देने की मेरी योग्यता है तो उसमें सबसे ज्यादा उपकार गुरु भगवान का उसमें परम पूज्य प्रन्यास गुरुदेव श्री रत्नचंद्र विजय महाराज के जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। ऐसे तो पहले मैं ऐसा था कि मुझे घर पे रख रहा हूँ ना तो भी मम्मी पापा लाल दादी कंटाल जाए कभी खुद के घर पे तोड़ा फोट कभी दूसरों के घर पे तोड़ा फोट कभी दोस्त के साथ झगड़ा कभी बाजू वालों के साथ मारा मारा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ फिर भी गुरु महाराज ने मेरे को स्वीकारा मेरे में दीक्षा की योग्यता प्रकट की और आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तथा पूज्य यशोभद्र विजय महाराज पूज्य हरिभद्र विजय महाराज उन सबका भी बहुत उपकार कि जिन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई स्वाध्याय करवाया मेरा घड़तर किया। ऐसे देखा जाए तो सभी बातों का बहुत उपकार सबको अंदर एक ही चिंता कि मैं कैसे एक कदम आगे बढ़ूँ मैं कैसे एक कदम आगे बढ़ूँ। कभी हम लोग कोई महाराज के साथ में पढ़ता हूँ ना तो कभी कभी भूल से महाराज को मथे मरना में बोल देते हैं तो शायद नहीं मैं मुमुक्ष हूँ अरे सॉरी 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 तुम्हें कह रहे दीक्षा में बताया हमारे तुमने बंधन करवा था हमारे तुमने बंधन करवा था। इंग्लिश में एक कहावत है टू अचीव समथिंग इज ईजी बट टू हैंड ऑन इट टू होल्ड इट इज हार्ड। कुछ भी चीज़ पाना बहुत आसान है पर उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। उसी तरह दीक्षा के भाव एक बार होना एक अपेक्षा आसान है ऐसे आसान नहीं है पर एक अपेक्षा से देखो तो दीक्षा के भाव होना आसान है पर उसको संसार में रह के लिए टका के रखना लॉन्ग टाइम टका के रखना वो बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे भाव ऐसे तो मैं शायद के संपर्क में 5-6 साल से हूँ पर टोटल अभी तक देखा जाए ना तो मैं 1.5 साल ही मार्शल के पास रहा हूँ बाकी सब घर पे पर उस टाइम में भी मेरे भाव टके हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाठशाला के टीचर और मेरे कल्याण मित्रों की वजह से। सबसे पहले शिल्पा टीचर के जिन्होंने मेरे में दीक्षा के भाव प्रकट किए हमेशा पढ़ाते जाते और समझाते जाते कि यहाँ संसार में रेवा जमीन थी। फिर रिंकू टीचर और नितिन सर उन्होंने हमेशा मैं कैसे आगे बढ़ूँ उसकी प्रेरणा करते और मुझे मार्ग भी दिखाते कि यहाँ रीते कर यहाँ रीते कर आगल बच्चे और लास्ट में श्रेया दीदी के जिन्होंने हमेशा मेरे वैराग्य भाव को मजबूत बनाया
मुझे कोई भी मारे सर के पास रहो, मुझे कोई भी तकलीफ हो तो मैं उनको बताता हूँ, वो समझाते एवं थानू एवं थानू आ नहीं करवा सब समझाते। और मेरे कल्याण मित्र सबसे पहले वंश से मेरे दादाजी ने मेरे को जन्म से बोलते थे जा उपाश्रय जा उपाश्रय जा, पर मैं कभी नहीं गया। और वंश ने मुझे उपाश्रय में प्रवेश करवाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसमें भी उसका बहुत बहुत उपकार। और एक दूसरा हेत परे जो हमेशा मुझे धार्मिक प्रवृत्तियों में हमेशा साथ देता, बोलता हमेशा आजा यहाँ सीखी चल आप जाइए, आजा त्या सीखी चल आप जाइए, हमेशा मेरे साथ देता। और मेरे सभी फ्रेंड्स उन सबको भी मेरी आत्मा की बहुत चिंता, कभी भूल से मैं पैंट टी शर्ट में आ गया हूँ ना तो मेरे को बोलते तब मैं आऊँ सोपे कभी मैं ऐसे कुछ अपशब्द बोल दूँ ना फिर ऐसे बोले तब मैं आऊँ बोलता तो मैं शू सीख तुम्हारा थी। मेरे मुहूर्त की जब से डेट फिक्स हुई ना तब से सभी फ्रेंड सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे घर पर ही होते, हमेशा बोलते आंटी आंटी कहीं पर करो तुमने कह दो, मैं कुछ बोलता फिर मैंने कहीं आपको तू चुपचाप बेच देता है कहीं सेवा नहीं करे चलो बाकी कहीं नहीं करवा होता। आज मुझे आप सबसे दीक्षा के बारे में बात करनी है। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक महोत्सव है, समर्पण महोत्सव, जिसमें एक मुमुक्षु अपने बिंदु से गुरु की सिंधु में मिल जाता है। एक ऐसा महोत्सव, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें पर से परम बनते हैं, आत्मा से परमात्मा बनते हैं, अहम से अरहम बनते हैं। एक बार एक सरदार जी घर पर बैठे थे, उसके पत्नी उसके पास आए चलो चलो बाहर चलते, तो सरदार जी ठीक है ठीक है, फिर उसकी पत्नी ने बोला आज ड्राइविंग मैं करूँ, तो सरदार जी बोलते ये तो ऐसी बात हुई आज जाएंगे कार में, अंकल आएंगे अखबार में,